अत्री बायो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज द्वारा हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश में एक योजना प्रस्तुत की गई है। अत्री बायो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अंकुश अत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान योजना की जानकारी दी। अत्री बायो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अंकुश अत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उनकी कंपनी का लक्ष्य राज्य में नए मॉडल की गौशालाओं की स्थापना कर हिमाचल को बेसहारा पशुओं से मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में बनने वाली नई गौशालाओं को राजगढ़ उपमंडल स्थित सिरमौर की गौशाला डॉक्टर वाई एस परमार गौसदन के मॉडल को अपनाना चाहिए, जिसे प्रबंधन करने में उनकी कंपनी मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि ये गौशाला 240 बीघा निजी भूमि पर स्थानीय सामग्री से बनी है और ये सरकारी भूमि के पास है, जहां गौशाला के पशु पूरे दिन आचरण करते हैं। कोई भी नई गौशाला किफायती होने के साथ साथ उसका प्रबंधन आधुनिक होना चाहिए, जिससे उन्हें दक्ष बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी सरकार को ऐसे मॉडल गौशालाओं के लिए आदर्श स्थान की पहचान करने में मदद करना चाहती है, साथ ही उन्हें बनाने और चलाने में भी मदद करना चाहती है। अंकुश ने बताया कि अत्री बायो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ने गौ संरक्षण नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म से कोई भी व्यक्ति राज्य में गौशालाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उन्हें दान कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर किए गए किसी भी दान को एक सुरक्षित माध्यम से एकत्र कर धन को सीधे गौशालाओं के अकाउंट में स्थानांतरित किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म दान प्रक्रिया को और अधिक दक्ष बनाने के साथ साथ अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में योगदान करने के इच्छुक लोगों के लिए भी दान देने के कार्य को आसान बना देगा, जो अभी केवल पारंपरिक साधनों के माध्यम से किया जाता है। अंकुश अत्री ने गाय के गोबर और गौमूत्र जैसे जैव उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन बाजार स्थापित करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि गौशालाएं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये उत्पाद बेच सकती हैं। हमारी जो कंपनी है वो स्ट्रे कैटल प्रॉब्लम जो हिमाचल में है उसको सॉल्व करने के लिए काम कर रही है। तो बेसिकली बात यह है कि हमारी जो कंपनी है वो गौशालाओं को एड करती है, चाहे वो पुराने गौशालाओं हो या नई गौशालाओं को आने के लिए, ताकि ये स्ट्रे कैटल प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इसके लिए पहले तो हम एक गौशाला ऑलरेडी चला रहे हैं पझौता एरिया में, जो राजगढ़ में है आपका, और उस गौशाला ने राजगढ़ को नियरली स्ट्रे कैटल फ्री कर दिया, क्योंकि उसमें 256 स्ट्रे कैटल हैं। और हम वो मॉडल एक तो पूरे हिमाचल में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, और उसके बाद हमने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिससे जो एग्जिस्टिंग गौशालाज है वो डोनेशंस ऑनलाइन ले सकें और अपने वर्मी कंपोस्ट और काउडंग जैसे और काउ यूरिन जैसे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ही कस्टमर्स को बेच सकें। और तो ये बेसिकली हमने पूरा, ये आपको मैं डिटेल में प्रेजेंटेशन में बताऊँ। हमारी जो गौशाला है वो खास इसलिए है कि पहली बात तो वो लोकल मटेरियल से बनी है, उसमें जितना भी पत्थर और वुड यूज़ हुआ है वो लोकल एरिया से ही जो हमने रिट्रीव किया था, और ये प्राइवेट लैंड पे बनी है पझौता एरिया में, जैसे मैंने बताया राजगढ़ में। और इसमें हमारे जो बेसिकली जो गौशाला का मेन खर्चा होता है एनिमल की फीड का, वो खर्चा हमारा बच जाता है, क्योंकि हमारी जो गौशाला है वो गवर्नमेंट लैंड के साथ जुड़ती है। तो हमारे जितने भी जानवर हैं वो सारे चरने उन गवर्नमेंट लैंड्स में जाते हैं, तो इस वजह से हमारा जो खर्चा है वो कम है, इसका कंस्ट्रक्शन से लेकर इसके रनिंग तक का खर्चा। तो ये जो है मॉडल है ये हम हिमाचल में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।